अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग जा रहे हैं बाबा के साथ बाहर। मामा घर नहीं थी, तीन चार दिन से कहीं गई हुई थी, तो हम लोगों ने सोचा ज़रा बाहर जाएं, बाहर से कुछ खा पी आएँ। दूसरा बारह रिव्यू लेवल था, तो हम लोगों ने सोचा कोई लाइट्स वगैरह भी देख लेंगे, साथ आप लोगों को भी दिखा देंगे। तो बाबा बस अब गाड़ी निकालनी है, तो फिर उसके बाद चलते हैं। और इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह अवॉइड करूँगी। ये हमारे अपनी स्ट्रीट की डेकोरेशन है, हमारी जो अपनी गली में हुई हुई थी, इधर उधर अभी हम लोग कहीं गए नहीं। ये बस घर से निकलते हुए मैंने सोचा कि अपना जो हमारा एरिया अपनी स्ट्रीट उसका भी करने हो, और ये इतनी अच्छी लग रही थी। ऑफ कोर्स जो आपकी आई चीज़ कैप्चर करती है वो कैमरा नहीं कैप्चर कर सकता, लेकिन ये बहुत प्यारी लग रही थी। और ये थ्रू आउट इन लोगों ने सारा डेकोरेट किया हुआ था, लाइक ये दो तीन स्ट्रीट्स जितनी भी है ना, उसमें थ्रू आउट ये सारा डेकोरेट हुआ हुआ था। लाइक ऊपर पूरा ऐसे प्रॉपर छत पूरा ऐसे बना हुआ था, और जो एंड थे, जैसे अब एंड पे इन लोगों ने ऐसे, वीडियो में तो वो नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन इन लोगों ने एंड पे ना ऐसे प्रॉपर यूँ थोड़ा सा ऐसे छत सा बनाया हुआ था। मे बी यहाँ से गुजरते हुए थोड़ा सा नज़र आ जाए कि मैं क्या कह रही हूँ। और वो दूसरा रात का टाइम था, इन लोगों ने और भी डेकोर किया हुआ था, बैलून्स वगैरह लगाए हुए थे, और दरमियान में भी कुछ चीज़ें वगैरह हैंग की हुई थी। वो वीडियो में कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही होंगी, बट था घरों पे भी, साइडों पे कुछ ना कुछ हुआ हुआ है। और यहाँ पे मल्टी कलर लाइट्स इन लोगों ने दरमियान में लगाई हैं। ये सब कुछ इतना अच्छा लगता है, लाइक आप अगर देखने जाओ तो। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम लोग आके बैठे खाना खाने। उधर ही हमारे मरकज़ में है ये टॉप टेस्ट, और यहाँ पे हम लोग आके बैठ के हैं। ये बाबा हैं, और इधर ना इन लोगों ने साइड पे यहाँ पे ट्रक आर्ट किया हुआ है। ये इतना अच्छा लगता है, और मुझे तो ट्रक आर्ट वैसे ही बहुत पसंद है। एंड दिस इज़ आवर पिज़्ज़ा, और इसकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है, और ये खाने में भी लाइक टेस्ट 10 out of 10। अच्छा जी, तो यहाँ पे लोगों ने ये टेंट वगैरह लगाए हुए थे, इधर तलावतें और ये सब कुछ वगैरह पड़े थे। चलते हैं वापस। ये घर डेकोरेट हुआ था, ये इतना अच्छा लग रहा था। मैंने फिर बाबा से बोला कि गाड़ी आहिस्ता करें ताकि मैं शॉट ले सकूं, और फिर बाबा हम लोगों को ले गए ये आई गेस मुर्गा गाँव के, मुझे नहीं पता इस एरिया को क्या कहते हैं, ये वो वाला एरिया है यहाँ पर बहुत अच्छा डेकोर होता है। तो फिर बाबा हम लोगों को इधर ले गए कि तुम लोगों को जाके दिखाता हूँ। हम लोग वैसे हमेशा बचपन से ना, बाबा हम लोगों को लाल कुर्ती और उस तरफ ले कर जाते थे, और हम लोग वहाँ पर उधर तो एक लेवल की वो कहते हैं कि इतनी अच्छी डेकोरेशन होती थी, बहुत अच्छी डेकोरेशन होती थी उधर, और घोड़े और पता नहीं क्या क्या उधर होता था। और अब तो खैर वो इतना ज़्यादा वहाँ पे रश होता है कि खड़े होने की जगह नहीं होती, तो अब हम लोगों ने वहाँ जाना छोड़ दिया क्योंकि मज़ा नहीं आता उधर फिर जब इतना ज़्यादा रश हो जाए। तो खैर फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे, और यहाँ पर भी बहुत अच्छा, इन लोगों ने इतनी मेहनत से किया हुआ था सब, और इतना अच्छा हुआ हुआ था। एंड जस्ट लुक एट दिस हाउस, ये घर इतना अच्छा डेकोर हुआ हुआ था सामने से। बात वही है कि जो नज़र आता है वो वीडियो में कैप्चर नहीं होता, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था ये।
और यहाँ पे हम लोगों को ये घोड़े वगैरह मिले, मुझे घोड़े वैसे ही बहुत पसंद है और ये इतने अच्छे लग रहे थे, काफ़ी ज़्यादा थे शुरू वाले, मैं थोड़े से कैप्चर नहीं कर सकी। और उसके बाद ये इस घर को देखें और फिर थक हार के हम लोग अपने घर वापस आ चुके हैं। हमने भी डेकोरेशन की, अल्लाह अल्लाह करके हम लोग घर पहुंच गए थे और अब घर जाके आराम से बैठेंगे। बाबा कह रहे थे कि सबके घरों से कुछ ना कुछ आ रहा है तो तुम भी खीर बना लो, और मुझे खीर बिल्कुल भी नहीं आती। और मामा घर से बाहर है, मतलब आउट ऑफ सिटी गई हुई है हाला के घर 3-4 दिन से। तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट की है, मैंने दूध में खीर मिक्स होती है बस दूध में ही डालनी होती है और इतना सिंपल, उसके बावजूद भी ये हमसे ख़राब हो गई और ये थिक ही नहीं हुई और ये इतनी पतली सी हो गई। शायद इसके ऊपर लिखा हुआ था कि 1 kg दूध में हम लोगों ने 1 kg ही डाला था लेकिन वो नहीं हुआ और ये इतनी पतली बन गई थी। और हम लोग आधा घंटा इसको मिक्स कर करके, और ये देखो ज़रा ये इतनी देर के बाद भी ये बिल्कुल पानी था। खैर फिर हम लोगों ने एक जुगाड़ भी लगाया था, उससे ये कि खीर का टेस्ट नो डाउट अच्छा था, टेस्ट बुरा नहीं था लेकिन ये थिक हो ही नहीं रही थी। फिर हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ा सा कस्टर्ड डाल दिया कि कस्टर्ड डालने की वजह से शायद थोड़ा सा ये थिक हो जाए, और उससे वाकई थिक हो भी गया था कस्टर्ड से और कस्टर्ड का भी टेस्ट आ गया था। एंड पे टेस्ट बहुत अच्छा बन गया था और अब मैंने इसमें कस्टर्ड वगैरह डाला। प्लेट्स वगैरह मैंने निकाल के ऐसे रख ली थी और खीर को मैंने ऐसे रख दिया ताकि मैं इसको थोड़ा सा पहले ठंडा कर लूं, फिर उसके बाद मैं इसको सर्व करूंगी। खीर को अब फ्रिज में रख के ठंडी हो गई थी और अब मैंने इसको प्लेट्स में रख दी और अब हम इसको देने जाएंगे बाहर। बाहर अवेलेबल पूरा दिन, इतना अच्छा मौसम रहा, मैं टेरेस में आ गई, इतनी अच्छी हवा चल रही थी और बाबा चले गए थे नीचे स्ट्रीट में सबको देने। यहाँ पे मेरी मामा के प्लांट्स, उन्हें बहुत शौक है, 5-6 उन लोगों ने ऐसे गमले रखे हुए हैं मामा ने, लेकिन उसमें दुनिया जहान की चीज़ें लगाई हुई हैं। हम लोगों के यहाँ पे ऐसे प्रॉपर जगह नहीं है, लाइक मतलब ऐसे थोड़ी सी मामा ने यहाँ पे अपना खुद से बनाया हुआ है। हाँ यहाँ पे हर घर के बाहर ऐसे क्यारी बनी हुई है लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने रोज़ वगैरह लगाए हुए हैं, मेन प्लांट्स ऊपर ही हैं। मामा ने इधर भी ऐसे एक फेक ये सारी लगाई हुई है क्योंकि उन्हें बहुत शौक है प्लांट्स का, हर जगह प्लांट्स उन्होंने। At the end, I would like to say that Bara Ravi Level is not only about celebration, but it is about praying, making dua for yourself and spreading positivity. Okay, so this was it for the video. Hope you guys liked the video. Don't forget to like, share and subscribe. For now, Allah Hafiz.